वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली हमारी बात पूरी होने जा रही है। मैंने आपको बोला था कि हम करेंगे बहुत जल्दी मुंबई व्लॉग स्टार्ट, तो आज मैं कर रही हूँ अभी ट्रेन में से व्लॉग स्टार्ट। यहाँ पर पुनीत दोनों को संभालता हुआ, दोनों तो वैसे बहुत चिल मोड में है। थोड़ा सा उसने दुखी करा ट्रेन में बैठते ही, क्योंकि वो पापा की गोद में रहना ज़्यादा पसंद करती है, बट अभी वो ठीक है। पापा को ठंड लग रही है क्योंकि फुल एसी ट्रेन है और ट्रेन की जो सर्विसेज थी इज़ वेरी गुड। और वो गुन्नू के व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगी। नानू पापा ऊपर सोए पड़े हैं, मम्मी उधर सोई पड़ी है, अंशु जग रहा है ऊपर है, हो रहा दिख रहा है उसका थोड़ा सा मुँह। गुन्नू भी सोई पड़ी है और अभी थोड़ी देर में बाहर अच्छे अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं। फिर मैं आपको, हम अब 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे, फिर मैं आपको पहुँच के ना सबके रिएक्शंस दिखाऊंगी कि वहाँ पे सबके रिएक्शंस क्या होते हैं। वैसे तो मासी आई थी अभी, कब कितना टाइम हो गया मासी को आए हुए, जब मैं लास्ट मंथ प्रेगनेंसी का था ना, नहीं 6th मंथ था मेरा, जब मेरा 6-7 मंथ था तब आई थी मासी। हाँ सेप्टेम्बर में आई थी वैसे तो, पर हम मुंबई 5 साल बाद जा रहे हैं। जब मैं 10th में थी और मासी के यहाँ तब गए थे। हाँ मैं 10th में थी, मेरा 10th का रिजल्ट आया था, मम्मी ने वही थप्पड़ मारा था मेरे मुंह पे, मेरे को याद है। मैं लेटी हुई थी और मम्मी ने परदेसी मारा था, बताओ 89% पे भी थप्पड़ मारा था। 10th क्लास में ना मेरे 89% आए थे, पर मम्मी ने तब भी थप्पड़ मारा था, ये भी कम है। एक क्लास में तो ज्यादा नंबर लाई थी, उसमें मारा मेरे को। अरे टेंट में मारा था। तो चलो गाइस फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी आगे। स्लो चलने अभी पापा कह रहे हैं आगे समुद्र वगैरह आएंगे, वो सब दिखाएंगे फिर मैं आपको। वो कब आएंगे समुद्र नानू? आने वाले हैं, फिर दिखाऊंगी मैं आप लोगों से। हमारा मॉर्निंग में सिर्फ अभी चाय आई है, फिर ब्रेकफास्ट में आप नॉन वेज वेज दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। वेज में आमलेट, वो आमलेट कह रही हूँ, नॉन वेज में आमलेट होगा, वेज में कटलेट होगा। तो अभी है ये टी के लिए, ये बॉटल्स मिलती हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप की, इसमें वाटर है। और ये भैया ये जो अच्छी सर्विस देते हैं वहाँ, और काफ़ी हंसमुख है भैया। और हाँ तो वो अभी देंगे ना, पहले चाय तो पी लो। गुन्नू ऊपर से कह रही, वो तो कह रहे थे अंडे ब्रेड देंगे, अभी दिए क्यों नहीं। तो अभी हम ले लेते हैं पहले चाय, मम्मा को उठाते हैं क्योंकि मम्मा की तबीयत थोड़ी रात को खराब हो गई इसलिए। और ये 3 बैग्स देखे गए हैं, ये 7 प्लेट्स हैं, इसके नीचे कि हम लोग साथ हैं तो 7 बंदे। नोना का नहीं देखे गए, पापा हमें हर चीज दिखा दिखा कह रहे हैं, ये ले आम के पेड़ आए हैं, ये दिखा फ्लैट आ रहे हैं, ये दिखा, मतलब सब कुछ दिखाऊंगा। जैसे गाइस ने, जैसे कभी गाइस ने आम फ्लैट तो देखे, फ्लैट बनने आ शुरू हुए थे, बंद हो गए बीच में, शर्मा जी फ्लैट बना रहे हैं। अच्छा शर्मा जी फ्लैट बना रहे हैं, ये देख इधर फैक्ट्री आई है सीमेंट की, ये मम्मी उठ गई, ये मम्मी सीमेंट की फैक्ट्री है। ओ सीमेंट की फैक्ट्री बोल रहे हैं आपको, सही में मम्मी, सही में सीमेंट की फैक्ट्री है पीछे। और क्या दिखाऊं, दीवारें देख, आम के बाग आ गए गाइस, वो ऊपर से अपना फोन दे रही है। क्या आ जा नीचे, आ जा छलांग मार बहादुर बच्चों की तरह, तोड़ मत दियो। समुंदर चला गया, गाइस समुंदर दिखाना ना चला गया। लोहा ले ले, अब लोहा ले ले, आम ले ले, आम ले ले, आम ले ले, देखो आम ऐसा लग रहा है, आम को बहुत दिन रख दिया फ्रिज में और ये मुरझा गया, मुरझाया हुआ आम। पापा करेंगे क्योंकि हर चीज देख के मुझे कह रहे हैं ये दिखा वो दिखा, छोटे छोटे पहाड़ आ गए। अच्छा और अभी दिखाएंगे आलू तो सारे इस साइड। और गाइस इन्होंने देखो भरा कैसे है सामान, ये जैसे घर है, स्टेशन आ गया तो क्या क्या ये ब्लॉगिंग करेंगे ना तो 1 घंटे का ब्लॉग बना देंगे और वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, हो रही ट्रेन वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। बिना जंगल दिखा दे, कितने दूर तक जंगली पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं। हरियाली हरियाली तो आप में भी नजर आ रही है, एक आम एक हरियाली। शांत बैठो, 2 बच्चे स्कूल जा रहे, दिखा दस्त लग गाइस, नानू को दस्त लग इसलिए शर्मा रहे, चुप बैठे शर्मा क्या रहे हो। रात को तो आपने धुआंधार में जा रखा था, लोगों का बैठना मुश्किल कर रहे थे रात को। आ गया भाई, मंदिर दिखा, वो देख दिख रहे होंगे,
नहीं पेड़ वेड़ तो अच्छे हैं यहाँ पे, कहाँ है मंदिर उधर जा, वीडियो बना ले तो थोड़ी पेड़ों के आगे जा। बोरा दिख रहा है कह रहे हैं गाइस पहाड़ आ रहा है, कैमरा ऑन कर जल्दी। कहाँ है पहाड़? ये फूल वाला पहाड़। पेड़ कितने अच्छे अच्छे शेप के हैं। कहाँ है पहाड़? हाँ गाइस पहाड़ तो है, झूठ नहीं बोल रहे थे। वो भी आ रहा है, गुफा भी आ रही है, देख नीले। ऐसे लग रहा है गोवा रिजॉर्ट है पापा, वो मंदिर रिजॉर्ट है ये। ये देख नीले रंग का ट्रंक आ गया, शाही रिजॉर्ट है ये पापा। नानू ने अपनी जेब में से पर्स निकाला और कंघी दिखाना नानू अपनी पर्स के अंदर। ओ पेपर सोप भी लेके आए हैं, ट्रेन में ही मारेंगे ये पहले जब पहले मुंबई गए थे ट्रेन में ही मारेंगे पेपर सोप कंघी। ये दिखा दे, फोटो देख लो दीदी देखो अब जेब पैक कर रहे हैं अपनी। नानी मेरे को मना कर रही थी रात को टाइम देखूंगा तो उठते ही है पापा से बातें करना इसको जरूर है, पापा से बहुत अच्छी बनती है इसकी। अब आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा सबका। उन्होंने अपना ले लिया वहाँ, पापा लगे पड़े उन्होंने नानू अंशु के पीछे पड़ रहे हैं। okay, नानू को देखो इसमें है दो ब्रेड बटर फ्रूटी सॉस का पाउच और आमलेट दो अंडों का चाय वाला और टी टी बैग है और अब वो फिर से वो केटल दे गए ये रखा और जूस आपकी चॉइस है आप फ्रूटी पियो या क्या पीते हो ये रहा मेरा गाइस पापा देख पता है क्या कर रहे हैं जो टी बैग मिले थे ना और चम्मच कह रहे चम्मच वहाँ काम आएंगे और वो देखो टी बैग्स दिख रहे हैं अपनी चीज की थैली में टी बैग्स भरी और कह रहे प्लेट भी डाल और कह रहे इतने सारे ग्लास है ये ले चलूंगा दिल्ली रेलवे। अगर आप प्लीज मेरा ब्लॉग देखो ये आदमी सैनिटाइजर सॉस की पाउच सब भर रहे हैं जो सैनिटाइजर ना इतना सा पाउच मिला था इतना सब पाउच सैनिटाइजर का पापा ने वो भी भरा आ गए फाइनली समुद्र आ भाई ब्लॉगर नोना देखो कैसे एंजॉय कर रहा है काफी बड़ा है ये बेटू समुद्र एक और आ गया देख इसमें ना जाल भी पड़े हैं मछली पकड़ने के लिए आगे आगे देख बच कर लो मत को बच कर ले गंजू। ट्रेन की भी सफाई होनी चालू हो चुकी है हमारा लास्ट है ना सो रही है और हमने अपना सारा सामान निकाल के ना फाइनली विशाल पंखे के साथ हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई और गाइस हमें कोई लेने नहीं आया हम खुद उन्हें लेने आ रहे थे हमने मना कर दिया वो आते वो भी हमारे साथ। हाँ गाइस हमें वैसे कैब करके जाना है तो हम सोच रहे जितने लोग हमें लेने आएंगे फिर उन्हें भी जाना पड़ेगा वैसे ही तो इसलिए हमने कहा मासी हम खुद आ जाएंगे तू परेशान मत हो तो हमने खुली करे दो वो आगे चल रहे हैं सामान लेने है। और इसे देखो गाइस विशाल पंखा देख रही है विशाल पंखा गाइस ये देखो विशाल पंखा गाइस अब हम आ गए हैं बिल्कुल मुंबई में खड़े हैं गाइस और इसे देखो बहुत अच्छी हवा चल रही है प्रेरणा के बालों से आप समझ सकते हो जैसे उड़ रहे हैं। एंड गाइस अब हम यहाँ से कैब करेंगे और फिर मासी के घर जाएंगे और फिर देखते हैं मासी उन्हीं का क्या रिएक्शन रहेगा हमें घर पे देख के। निशी साइड हो ओए ओए हंस रहा है सोना। हमने कर ली टैक्सी और हम इसमें बैठे बिकॉज इसमें एसी था और गाइस इधर आपको कुछ भी सामान नहीं दिख रहा हो क्योंकि गाइस हम दिल्ली से इतना सामान लाए हैं कि हर जगह हमें दो गाड़ियां करनी पड़ती है तो एक गाड़ी तो सामान से भर गई और दूसरी में हम चार आए हैं वो दो तीन लटक के आ रहे होंगे कहीं ना कहीं क्यों शिन्नो हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि अब हम कब पहुंचने वाले हैं। नोना को देखो कितने चिल मोड में है बस इसको थोड़ी सी गर्मी से इरिटेट होती है ये और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी हर जगह छुट्टी काट रही है इसी देखना पड़ता है हमें तो देख ही लेते हैं। पहुँच गए मासी का पागल तो नहीं है पहुँच गए मतलब बाहर
इस मम्मी यहाँ पे भी तो एक गली है जहाँ गन्ने का जूस मिलता है, उस वहाँ से मासी का घर आता है। और स्कूल में मामा पढ़ता था ना, स्कूल में मामा पढ़ता था। यहाँ पे मंदिर है, बस अनिशी दीदी से ही मिलना, इशू और किसी से नहीं मिलेगा। मतलब वो जनानी का है, मासी जनानी का है। मेरे पास आना, ब्लॉग बना रहे हैं ना शिन्नो, वो दिखा है, वो जल्दी ये ले। इशु जनानी का है, दिखा दिया भेदभाव बच्ची के साथ। निर्णया तू कहा है बेटा? नानी हाउस छोटी नानी हाउस आ गए। इतनी सी उम्र में नानी बना दिया मेरी मासी को, बताओ। अरे वो दूर से खुश होगी आज। मैं यहीं से करने गलती लगी मेरे को। बाकी वो लोग सामान ढोते रहेंगे क्या? नो नो सोई ही है। सामान है ना बहुत सारा, वो लोग सामान लेके आए। गाइस वो पूरे रास्ते में जिस जनानी की बात करती आई वो जनानी ये है। पन्नू तो बंदा है। चलो अंशु गंदा कर दिखा, इधर आ जरा, हमसे तो प्यार कर। अंशु के पीछे लग गया है, हमसे प्यार नहीं करेगा। मैं अभी आप लोगों को होम टूर दिखाऊंगी फिर जल्दी। हाँ हाँ गाड़ी आई ना, वहां से कर रहा हाय। मासी भारत ने दोस्तों को बता रहा, वो मेरी मासी आ गई। तन्नू माचिस का है, इसको माचिस ही नहीं मिल रही। तन्नू इसको कूलर के आगे लेकर इतना हमारा सामान है, इतनी जगह है तेरे पास। हाँ तन्नू उठवा चल। गुगू नीनी आ रही है तो मासी ले, ये रूम लग रहा है, ये स्टोर रूम हमारे लिए खाली रखा है गाइस। ये छोटू से स्टोर रूम में यहाँ पे हम अपना, ये मतलब इनकी हालत आदत अभी भी नहीं गई, बंद है, बंद है। जो झूठ बोलना पड़ता है ना। ओ बेटा दीदी है, दीदी तू रोते नहीं है, मेरा बच्चा अभी पहचान नहीं रही है। हेलो करो, हेलो। मेरे को जल्दी से होम टू डाल के व्लॉग पूरा करना है। क्या कहाँ रखी है? फ्रिज तो तूने पूरा भर रखा है। हाँ हाँ ये सामान ढोए जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आते ही लड़ने लग गए। आते ही अरे अभी तो गए नानू पापा, ए अभी तो ये पूछना नहीं चाहिए, नहीं तो नानू
पापा की बीड़ी से ही चलेगा। भाई सुमान देखो जरा टियो ये देखो गाइस सुमान कैसे भरा है हमारा। सब ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं गाइस। रुकना रुको हटो एक मिनट हटो। ये देखो ये क्या कर रहा है सब। देखी मासी ये सामान खोल के चेक कर रहा है मेरे टॉयज का है। क्या है क्या है क्या निकलू इशित ऐसा नहीं बोलना। मैंने वो ढूंढ रहा है कि कहा क्या ढूंढ रहा है तू। मैं बताऊं कहा है मैं बताऊं टॉयज का है मैं बताऊं नहीं बताऊं। तूने मेरे को चल क्यों बोला तूने मेरे को सॉरी बोल पहले आई बताती हूँ। उन डब्बों में है वो डब्बों सामान भर के लाया ना वो निकाल रहे हैं आप। हाँ यही दूध पीती है मम्मी। ये ट्रेन का भरा हुआ सामान निकाल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही ये हमारा मिला है ट्रेन से। गाइस इशू ने हमें तंग कर रखा थी पहले मासी मेरे टॉयज को और अभी मैंने अच्छे से होम टूर नहीं दिखाया बस जल्दी जल्दी ऐसे ही दिखा दिया। इधर बैक कैमरा से दिखेगा तू। हाय बोल हेलो गाइस। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो चैनल को। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। तो इस गाइस डब्बे में टॉयज भरे हुए आजा आजा इधर दिखाओ ना। और ना गाइस मैं होम टूर हूँ मैं बोल रही थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बना दिया क्योंकि मैं ब्लॉग एंड करके डालूंगी। आज ब्लॉग लेट हो गया तो अच्छे से प्रॉपर बाद में सब दिखाऊंगी। हाय कैसा लगा वीडियो? बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है सरप्राइज कर दो मेरे चैनल को सरप्राइज बिल्कुल। जब हम लोग बहुत बहुत टाइम में आते हैं तो बहुत सा सामान हमें यहाँ नहीं मिलता तो मुंबई मतलब यहाँ पे नहीं मिलता तो हम दिल्ली से लेके आते हैं। ये सारा जो सामान था हमारे इसमें मासी का ही सामान है हमारे तो 3-4 बैग वापस ये लोग चालू हो गए बड़ा पाओ। और वो क्या है पापा मासी ये क्या है? अरबी के पत्ते। अरबी के पत्ते तो अरबी के पत्ते की खिलाड़ी अरबी खिलाड़ी देख जी अच्छे इसके अंदर नहीं नहीं ऐसी कौन अच्छा है। गाइस हम यहाँ पे कुछ भी खाएंगे तो हमें पूछना पड़ेगा खाने के लिए क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ की चीजें कैसे खाते हैं। तो हम जो भी खाएंगे तो बनाने में लगेंगे। नाना एंजॉय कर रहा है बेटा तू मिलद्दू। गाइस अब मैं बनाती हूँ अपने लिए। पुनीत कैसा लगा वड़ा पाव? अच्छा है आम और सूखे हुए आम। तुम तो खाया हुआ है ना पहले सेब पूड़ी वगैरह शाम को ही जाइए रील बनानी है। तन्नू कह रही है वो शादी में क्या जून तक बंद है वो बाहर से खिला के लाएगी वो तो कहीं और तो मिल जाएगी इसी के पूरे क्या पूरे सेब मासी पूरी प्रेगनेंसी मैंने कच्चे आम मांगे नहीं मिले तो यहीं आ ले आते मेरे को बीच में। ये बड़ी वाली मासी है मतलब चाची की और ये मेरी मासी का बेटा उधर बगल वाला घर है मासी का। क्या उसके हाल है क्या तेरी शक्ल दिख रही है? हाँ बोल हेलो गाइस मम्मी इसको देखना ब्लॉग बना रहे ब्लॉग बना रहा हूँ
हेलो गाइस, देखो हमारे घर पे सब लोग आ चुके हैं अभी 12 बजे। हेलो गाइस, शहन भाई की दुकान पे ले जा रहा हूँ एक डब्बा। आ ले दो, कितने मस्त है ये। ये देखो मेरी बहन है, ये भी दूसरी बहन है लल्ली वाली। ये है मेरा भाई इशू, फोन दे दे इशू, फोन दे। नहीं खराब हो जाएगा, वीडियो खराब हो जाएगा, ज्यादा देर वो नहीं होता। बाय, देखो इसकी बहन है। लॉक बना, मैं सरप्राइज कर रहा हूं। हां अभी बोल, क्या करना है इसमें बोल। वो कौन है, वो कौन है, उसके बारे में बता। रोटी पकाने वाली ये व्लॉग बना रही है, ये व्लॉगिंग में लगा हुआ। क्या कर रहे हैं, देख ये कौन है, अपना बेकार है ये बहन, अच्छी है करने वाली। और टीवी दिखा आपने, टीवी बच्ची वाली। अपना टीवी बताइए, ये भाई है, बोल बोल दीजिए। मेरे ये मेरे नजदीक इशू, अपना टीवी दिखाना। और मेरा टीवी, मैं नया व्लॉगर बना, पेंट करके ऊपर सब दिखा के आजा। गाइस मम्मी हो रही है बड़ी गुस्सा, क्योंकि नोना हो गई है एकदम। देखो ऊपर जा रही है, नानू फ्रेंड राइस लेके आए हैं, नानू के फ्रेंड का यहाँ पे होटल है वहाँ से। मम्मी दुखी हो रही है, नोना बहुत इरिटेट हो रही है इसलिए वो सो रही है। कौन कर रहा था इशू शो, ये पुलिस बोल रहा है। तेरा तेरा ही है ना सब काम। हाँ ये पुलिस भैया बोल रहा है कि आप नहीं, भैया क्या बोल रहा है, भैया बोल रहा है कि हाँ मान जा तू। कर दिया यहाँ शिफ्ट, अब मैं कपड़े ले लूँ पहले अपने। क्या मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है तू, तो मेरे पीछे क्यों आया तू, जा यहाँ से भाग, चल तू भाग। इशू नहीं, सर पे नहीं, बेटू बेटू क्या कर रहे हो ये। अच्छा आप ये सारे घरों में जाके बर्फ इकट्ठी करके गुरुद्वारे में दोगे। भाई ये रोज शाम को गुरुद्वारे जाता है और अभी सबके घर जा जाके बर्फ लेगा और फिर गुरुद्वारे में देगा। इशू आप सबके घर जाके क्या बोलोगे, बर्फ आएगी जी, ठीक है। अभी छोटा वाला पूल खुल चुका है इशित के लिए है वो, उसके और ये रही गाइस प्रेरणा। और गाइस बड़े इरिटेटिंग बच्चे हैं, बड़े इरिटेटिंग, सारा प्यार खत्म हो गया अब, और 9 दिन प्यार ही नहीं करने वाले तुम्हें। ए इशित फूल के मिल जाएगा ना, अभी उधर ही क्या खड़ा हुआ है। अच्छा इस पे लिखा है माइक टूट जाएगा, उसके ऊपर वजन नहीं रहे। मासी बहुत अच्छी चलता है, ये बहुत अच्छा पेंट चलेगा। इधर तो समझ नहीं आ रहा सारा, कौन है सारा गाइस। तो ये एक मासी का न्यू घर बना है, बन रहा है ब्लॉग में। तो गाइस ये है सीनरी मासी के लिए, तो ये आपके लिए है। अवार्ड मिला है आपको, अवार्ड मिला है मासी, आप फर्स्ट आई हैं। और दूसरा है आपके लिए, उसको देखो रबड़ दिखते कि कुछ होती है। दूसरा है ये, ये आपको कुएं में से पानी निकालना है। और ये जो होल है ना, तनु ये बेडशीट आपके रूम के लिए, एक बेड किधर है, एक बेड किधर है तेरा, एक बेड किधर है अभी। और सन लिपस्टिक कैसे है, मुझे पता था ये बोलेगी। ये पर्पल है, नहीं देखो मैंने क्या हाल बताया घर का। आप मेकअप करते हो नहीं ना, अंजू से लोना को फोन दिखा रहा हूं। ये खाने में लगे पड़े हैं, तो मैं आइसक्रीम कहां से ले गई। गाइस मासी ने ना वो दुकान खोली है, तो इसलिए उसने सदर से हमसे सामान मंगवाया। क्या कर दिया ओए, वाले व्लॉग का मैं एंड करती हूँ यहीं पे, क्योंकि आज हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। हाँ दिखाऊंगी। तो गाइस ये नोना को खिला दी, ओके। तो गाइस आज हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए, बिकॉज आज हम लोग बहुत थके हुए थे, कपड़े वगैरह सेट करे अपने, तो कल जाएंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाले ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। हालत देख लो, इतना सारा सामान लेके जा रहे हो, लग रहा है तुम वहाँ बस से जा रहे हो या तुम कोई बहुत बड़ी ट्रिप पे जा रहे हो। गाइस मासी ने यहाँ किराने की दुकान खोलनी है, तो उसको सामान लाए थे। नहीं कोई दुकान नहीं खोली, अब सारे कैसी लगी कमेंट करके बता।
इसको बड़ा शौक है नंगू को ब्लॉगिंग करने का। तो चलो गाइस टाटा बाय बाय लव यू गाइस।